यहाँ फिल्में बनती हैं। ये खाली कैनवस है जिस पर आर्ट डायरेक्टर एक नई दुनिया बनाता है, कभी रेगिस्तान तो कभी ट्रेन की पटरियां, कभी राजा महाराजाओं के महल तो कभी देसी बार, तो कभी कभी देश के किसी कोने में बसा हुआ गांव। ये माया नगरी है। 520 एकड़ की जमीन पर बसी इस माया नगरी का शिलान्यास 26 सितंबर 1977 में हुआ और 30 अप्रैल 2001 को इस चित्रनगरी को भारतीय सिनेमा के जनक श्री दादा साहेब फाल्के जी का नाम दिया गया। दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। फिल्म सिटी में 16 एयर कंडीशन स्टूडियोज हैं, जहां लगभग 2 लाख, जी हां भाइयों और बहनों, 2 लाख स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये हथौड़े जैसी आवाज सुनकर डर मत जाना, हाँ ये वही सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़कर कई सितारे इंसाफ का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। अरे अरे ड्राइवर भाई, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी रोको रोको रोको। अरे यहाँ नो एंट्री है भाई। वेलकम, क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल करके फिल्म वेलकम का ये दृश्य भी यहीं फिल्माया गया था। क्रोमा और कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल अब हमारी फिल्मों के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। प्रिया, तुम यहाँ हो या कहीं और? मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे सामने। सामने तो हो पर साथ नहीं हो, मतलब? कैमरा के सामने आने वाले हीरो का कवाल तो आप हमेशा देखते ही हैं। अब हुनर देखिए जो कैमरे के पीछे रहकर अपना हुनर दिखाते हैं। अब हमारे आर्ट डायरेक्टर्स का हुनर आगे देखिए। ये घर वैसे तो केवल कुछ दीवारें हैं, मगर देखिए फिल्म बागबान में ये घर क्या से क्या बन गया। और यहाँ सजी होली फिल्म बागबान की, और यही लोकेशन बना स्कूल फिल्म सिंघम में। फिल्म सिटी वो जादुई पिटारा है जिसके अंदर से आर्ट डायरेक्टर की जादुई छड़ी क्या कुछ नहीं निकाल सकती। दोस्तों, हमें तो इस गार्डन से बड़ी जेलसी है जी हाँ, और क्यों ना हो। अरे भाई, यहाँ कितने सारे स्ट्रगलर्स काम मांगने के लिए चक्कर लगाते हैं, अपनी एक झलक पर्दे पर दिख जाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। और ये पेड़ पौधे हैं कि जिन्हें बिन मांगे ही सैकड़ों फिल्मों में चांस मिलता है। बहुत से निर्देशकों ने हीरो हीरोइन को नैनीताल, ऊटी, कश्मीर, शिमला ले जाने की बजाय इन्हीं लोकेशंस को नैनीताल, ऊटी, कश्मीर, शिमला बना डाला है। अरे भाई, यही तो कर्तव्य है इन जादूगरों का और हमारी फिल्म सिटी का। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां खड़े हो? सोचिए तो सही, विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे ये वही लेक है, तालाब, जहां किंग खान ने देवदास बनकर डुबकी लगाई थी। अब जाते जाते भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ भाई, जब भगवान का बुलावा आता है ना तो आना बनता ही है। आइए दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। अरे भगवान तो गायब है। हाँ भाई, वो इसलिए कि ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां हर दिन भगवान बदल जाते हैं। देखिए ना, कितने सारे देवी देवता देखे हैं इस मंदिर ने। यहाँ ऊपर वाले के भी कई रूप हैं, जैसे कहीं अजान सुनाई देती है,
छान। तो कहीं गुरबानी सुनाई देती है। यहां सचमुच मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिल्मों के साथ साथ यहां सीरियल्स भी बनती हैं। फिल्म सिटी बहुत सारे सीरियल्स की बुनियाद है, पौराणिक सामाजिक धारावाहिकों से लेकर कॉमेडी सीरियल्स तक। ये महाभारत के जमाने का पेड़ है? नहीं नहीं, उस महाभारत के जमाने का नहीं, बीआर चोपड़ा साहब के महाभारत के जमाने का। थैंक यू वेरी मच। रियलिटी शो से लेकर कल के चाणक्य से लेकर आज के कपिल तक। क्या करने वाले हैं आप? रीजनल फिल्म्स को फिल्म सिटी ने हमेशा सहायता की है, डिस्काउंट रेट में सारे साधन उपलब्ध करवाए हैं। गुजराती, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, हर रीजन की फिल्में यहां बनती हैं और फिल्म सिटी रीजनल फिल्मों के साथ डटकर खड़ी रहती है। तो बहनों और भाइयों, फिल्म स्टूडियोज की इन दीवारों ने कितने सारे लोगों का स्ट्रगल से लेकर स्टार बनने तक का सफर अपनी आंखों से देखा है, उनकी निराशा, हताशा और कामयाबी का जश्न भी देखा है। और फिल्म सिटी का ये वादा है कि मनोरंजन का ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बस तो इसी वादे के साथ अलविदा, गुड बाय, नमस्कार।